श्रावस्ती जनपद में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन यहां लोकसभा की चुनावी सरगर्मियां नजर आने लगी हैं। मामला है कसौधन समुदाय का, जिसका जात प्रमाण पत्र प्रशासन के द्वारा नहीं जारी किया जा रहा है, इसलिए कसौधन समुदाय के लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। श्रावस्ती लोकसभा सीट अपने आप में एक मायने रखती है, क्योंकि यह दो जिलों से बनी एक लोकसभा है, जिसमें श्रावस्ती और बलरामपुर को जोड़कर एक लोकसभा सीट बनती है। कहा जाता है कि यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि है, इसलिए यहाँ की सियासत काफ़ी गर्म रहती है। भले ही श्रावस्ती में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन यहाँ चुनावी सरगर्मियाँ देखने को मिलना शुरू हो गई है। 2024 का चुनाव करीब है और इसकी सुगबुगाहट भी नजर आने लगी है, क्योंकि कसौधन समुदाय के लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का श्रावस्ती में बहिष्कार कर दिया है। कारण है कि इनका जात प्रमाण पत्र न बनना, जिससे कसौधन समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि उनका जात प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है, जिससे ना ही वह राजनीति में अपना दांव आजमा सकते हैं और ना ही किसी बड़ी नौकरी में, क्योंकि जब उनका जात प्रमाण पत्र ही नहीं बन रहा है तो आखिर उनको वरीयता कैसे मिलेगी, जिसको लेकर आज जिला मुख्यालय भिनगा में कसौधन समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पत्र जारी अभी तक जो प्रशासन ने नहीं किया है, हम लोगों के साथ अनदेखी हो रही है। जनपद के अधिकारियों द्वारा हम लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है और हम लोग बंधुआ मजदूर की तरीके से राजनीति में इनके साथ काम करते हैं। अगर ऐसा मेरे साथ भेदभाव किया जाएगा तो आने वाले चुनाव में अपनी ताकत कसौधन के साथ हम इस पूरे जनपद और लोकसभा में दिखाएंगे। पद हमारे श्रावस्ती में लाखों की संख्या में हमारे कसौधन बंधु निवासरत हैं। वे शासन द्वारा वर्ष 1997 में कसौधन जाति का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु हम लोगों को उस सूची में व्यवस्था प्रदान की गई, लेकिन यहां पूर्व में तो जारी होता रहा, हजारों सर्टिफिकेट यहां पे जनपद श्रावस्ती में जारी हुए और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज भी सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, लेकिन वर्ष 2017 से हमारे जनपद में कसौधन जाति प्रमाण पत्र किस वजह से रोक दिया गया, हमारे लोगों का बहुत अहित हो रहा है। हमारे बच्चे शिक्षा में, पढ़ाई में, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि सरकार की मंशा है कि हम लोगों को वो नीचे से ऊपर उठावे। जाति प्रमाण पत्र इसी का एक माध्यम था, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ के जिला प्रशासन ने प्रमाण पत्र देना लोगों को बंद कर दिया है। इसलिए समाज ने निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव जो आगामी है, उस चुनाव से पूर्व हमको जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो समाज के लोग आने वाले चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।